हेलो गाइस, माय नेम इज़ वसीम अहमद। ये मेरा चैनल है। हाँ, पंचशील में आए थे हम एक काम करने। हम आपको दिखाता हूँ, हमारा माल जाएगा इसके अंदर और हम काम करने आए पंचशील के अंदर। हेलो गाइस, मैं ऊपर आ गया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर फर्नीचर कितना प्यारा बना हुआ है। कुछ हमारी फैक्ट्री से फर्नीचर आया है, कुछ कहीं और से परचेज करा गया है दूसरी फैक्ट्री से। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। मैं आपको इन करके हर चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा सोफ़ा है, काफ़ी कम्फर्ट सोफ़ा है, 4 सीटर सोफ़ा है। इस पर 4 या 5 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। ये इसकी साइड टेबल है और ये हमारी कॉफ़ी टेबल है। कॉफ़ी टेबल देखो कितनी प्यारी, इस पर अपॉक्सी हुई हुई है। अपॉक्सी काफ़ी महंगी होती है, पॉलिस्टर भी इसको हम कहते हैं। और ये विंग चेयर है सारी, एंड ये भी देखो विंग चेयर है, काफ़ी कंफर्ट है। काफ़ी इसका जो फैब्रिक है काफ़ी लेदराइट नहीं है, ये फैब्रिक जो होती है हमारी कपड़े में कॉटन की, उस टाइप की है ये। और ये वाइट सोफ़ा है, काफ़ी अच्छी लुकिंग दी गई है। और इसमें ये देखिए, देखने वाली चीज़ ये है, ये लेदराइट नहीं है, इसकी फिनिशिंग कपड़े से आ रही है, फैब्रिक से आ रही है। और हम आपको ये दिखाएंगे, इसमें ये देखिए, देखने वाली चीज़ ये है कि स्ट्रिप टाइप की कुछ है ये। ये ब्रास है, प्योर ब्रास जिसे हम कहते हैं, इसी से इसकी खूबसूरती आ रही है। ये हमारा 4 सीटर सोफ़ा है, काफ़ी कंफर्ट है बैठने में। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ये सब कहीं और से पड़ते हुआ है। अगर हमें मिलता ऑर्डर तो हम इसे अच्छा बनाते हैं, माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छा है। ये इसकी बीच की साइड टेबल है, जो बंदा यहाँ इधर बैठेगा तो उस बंदे को अपना सामान वामान रखने के लिए वहाँ रख सकता है। और ये देखिए सोफ़ा कितना बड़ा है, ये देखिए कम से कम 8 सीटर सोफ़ा मेरे हिसाब से होगा, 8 बंदे इस पर आराम से बैठ सकते हैं। ये इसकी विंग चेयर है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये इसकी साइड टेबल है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, डाइनिंग टेबल, ये देखिए डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल पर कितना अच्छा काम करा गया, ये हमारी फैक्ट्री से बन के आई है। और ये जो इसकी डाइनिंग चेयर की जो लेग्स हैं, इस पर यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल ये ब्रास तो नहीं है, ये मेटल है और इस पर PVD कराई गई है, काफ़ी सॉलिड हुई है, काफ़ी महंगी होती है। और जो उसके आप ये लेग्स देख रहे हैं, ये इस पर PO हुआ है, PO भी काफ़ी महंगा होता है। और ये हमारे कारीगर हैं प्यारे, हम यहाँ पर पैनलिंग करने आए हैं। यहाँ पर जो आप सामने वाइट रंग का एरिया देख रहे हो, यहाँ पर मिरर पैनलिंग होगी। ये आप ये पड़ा हुआ है जो बोर्ड, ये सामने पैनलिंग होगी, उसके ऊपर सीसा पेस्ट होगा। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बफी टेबल, ये काम तो काफ़ी अच्छा करा गया है इसमें, लेकिन चमक ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से, बट है बहुत अच्छी देखने में। और ये देखिए इस पर पॉलिस्टर की गई है, पॉलिश काफ़ी मतलब अच्छा काम करा गया है कारीगरों ने। और ये आपने देखा था सोफे में स्ट्रिप, और यहाँ भी देखिए आप मेटल की ये स्ट्रिप दिखी हुई है, काफ़ी इससे लुकिंग आ रही है इसकी। और इसके अंदर इसमें जो हैंडल वैंडल कुछ नहीं है, इसमें से पुश टू ओपन का जुगाड़ करा गया है। ये देखिए पुश टू ओपन का जुगाड़ करा गया है, काफ़ी मतलब पैसा खर्च करा गया है इस दराज के अंदर। और ये सारी इसमें जितने भी आप शटर देख रहे हो ना, सब पुश टू ओपन है, इसके पुश टू ओपन है। और ये देखिए ये मतलब रेस्ट डाल दिया है, यहाँ पर कुछ भी सामान फैंसी रख सकते हैं दिखावट के लिए। और ये देखिए किचन में आपको दिखा रहा हूँ, कितनी बड़ी किचन है यहाँ की, ये किचन है, किचन भी माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया है, किचन भी ये देखिए किचन कितनी बड़ी है। और ये फ्रीज है, ये देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये दीवार है, यहाँ पे मिरर पैनलिंग होगी। और यहाँ पर जब मिरर पैनलिंग हो जाएगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा सिर्फ। और ये देखिए ये जहाँ मिरर पैनलिंग होगी उसके सामने रखा जाएगा, इस पर भी अपोस्ट्री मेरे मुझसे बार बार निकल रहा है यार, अपोस्ट्री नहीं सॉरी गाइज, ये हमारी पॉलिस्टर फिनिश हुई है सारी। और आज से 1 महीने पहले हमने इस हॉल में, ये जो आप देख रहे हो ये काफ़ी महंगा मतलब हुआ है इसके ऊपर काम, तो वॉलनट कलर पे इसका काम करा गया है, ये हमने ही लगाया था, हमने ही करा था ये।
तो अभी सेटिंग तो उस रूम की नहीं हुई जब देखो सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। तो ये है पहले इसके नीचे इसके पीछे हमने वाटरप्रूफ पैनल लगाया था, वाटरप्रूफ प्लाई लगाई थी ताकि दीमक वीमक या पानी वानी सब खुले ना, ये ख़राब ना हो। फिर इसके ऊपर ये पेस्टिंग की गई है, इसके ऊपर प्योर मैट घेरा गया है, काफ़ी अच्छा काम करा गया है इसका। और ये देखिए टीवी कितना बड़ा है इस रूम का, इस रूम में टीवी देखो कितना बड़ा दोस्तों। और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको इसी तरह वीडियो भेजता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।